अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। जमात इस्लामी हिंद गुजरात की वुमेंस डिपार्टमेंट के बिहाफ से मैं आप सभी मीडिया पर्सन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करती हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जमात इस्लामी हिंद की वुमेंस डिपार्टमेंट की जानिब से चलाई जाने वाली कैंपेन जिसका टॉपिक है मोरालिटी फ्रीडम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी हिंद गुजरात वुमेंस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी शाजिया शेख साहिबा, साथ ही यहाँ पे मौजूद है जमात इस्लामी हिंद की वुमेंस डिपार्टमेंट की नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी आरिफा परवीन साहिबा। तो ये मीडिया को एड्रेस करेंगी। तो इससे पहले कि ब्रीफिंग हो, मैं यहाँ पे इस कैंपेन का पहले हम लोग लोगो रिलीज करेंगे, उसके बाद में आपके सामने प्रेजेंटेशन किया जाएगा। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी वुमेंस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी शाजिया शेख साहिबा से कि वो इस कैंपेन का इंट्रोडक्शन और एक्शन प्लान आपके सामने प्रेजेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन, अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है मेरे प्रेजेंटेशन का, वो है हमारी एक वन मंथ लॉन्ग मुहिम कैंपेन जिसका थीम है मोरालिटी इज फ्रीडम, नैतिकता स्वतंत्रता का आधार है। मोरालिटी पर ही फ्रीडम आज़ादी का आधार है, उसके बगैर अगर आज़ादी इस्तेमाल की जाती है या इंसान आज़ाद रहना चाहता है तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। इस कैंपेन का मकसद जो है वो हम ये चाहते हैं कि हम तमाम पूरे गुजरात के लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि रियल फ्रीडम क्या है, और फ्रीडम को अगर मोरल वैल्यूज़ के साथ बाउंड ना किया जाए, मोरल वैल्यूज़ के साथ ना जोड़ा जाए, तो उसके क्या और क्या नुकसान होते हैं जो ना कि सिर्फ एक व्यक्ति को, एक इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पूरे समाज को ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी भरपाई मुश्किल हो जाती है। तो ये अवेयरनेस हम इस कैंपेन के ज़रिए से लाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमने यही थीम क्यों चुना है, मोरालिटी इज़ फ्रीडम, इस टॉपिक पर हम क्यों, और जैसा कि आप मालूम होगा कि ये नेशन वाइड पूरी मुल्क गिर कैंपेन है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये कैंपेन चल रही है। तो क्वेश्चन इज़ दैट कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है, क्यों हमने ये इस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ना सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो सबसे पहले हमें उसके लिए समझना पड़ेगा कि फ्रीडम क्या है, इंसान को आज़ादी, किसी व्यक्ति को आज़ादी जो दी जाती है वो क्यों दी जाती है। हमारी हिस्ट्री इस बात से, इस तरह के कारनामों से भरी पड़ी है कि जब भी इंसान को इंसान ने गुलाम बनाना चाहा, उसको अपनी स्लेवरी में लाना चाहा, उसके ऊपर मुसल्लत होना चाहा, तो हमारे हमेशा से इस समाज के जो काम करने वाले हैं, जो भला चाहने वाले हैं, वो हमेशा से खड़े हुए और उसको उस स्लेवरी से निकालने की कोशिश की। हिंदुस्तान हमारे सामने उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि हमने लोगों को, इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाला है। तो उसका जो मोटिव होता है इंसान को आज़ाद करने का, मोटिव ये होता है, मकसद ये होता है कि इंसान खुद, एक व्यक्ति खुद अपने डेवलपमेंट के लिए कोशिशें करे, खुद अपने डेवलपमेंट पर काम करे, और फिर वो ऐसा हो जो उसके समाज के डेवलपमेंट में भी उसका अहम रोल प्ले कर सके, अदा कर सके। समाज का डेवलपमेंट एक व्यक्ति के डेवलपमेंट पर ही डिपेंड होता है। अगर आज़ादी के साथ मोरल वैल्यूज़ को ना जोड़ा जाए तो होता यह है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुलामी और आज़ादी के दो माइंडसेट होते हैं। आज़ादी का, जो आज़ाद व्यक्ति है उसका जो माइंडसेट होता है बहुत ब्रॉड माइंड होता है, वो हमेशा अपने डेवलपमेंट के लिए भी फिक्र करता है और साथ साथ में उसके समाज में होने वाली बुराइयों के खिलाफ खड़ा होता है, और समाज के डेवलपमेंट के लिए हमेशा कोशिश ही नहीं करता बल्कि जितना कुछ हो, और उसके लिए ये ख्वाब होता है कि मेरा समाज न्याय और शांति का समाज, जहाँ सबके साथ समानता का सलूक किया जाए, उसका ये ख्वाब होता है। उसके अपोजिट में आप देखेंगे जो स्लेवरी, तो स्लेवरी जो माइंडसेट है, गुलामी वाला जो माइंडसेट है, वो हमेशा अपने आप को ही मजलूम समझता है। वो ये समझता है कि सारे जुल्म मेरे साथ ही हो रहे हैं,
और मुझे ही इस जुल्म से निकलना है और उसी के लिए सारी कोशिशें और सारी अपनी जितनी भी उसकी सलाहियतें हैं, उसका उसकी जहानत है, उसका नॉलेज है, वो सारी चीज़ें सिर्फ अपने आप को इंसाफ दिलवाने के लिए वो लगाता है। तो ये दो बेसिक फ़र्क है इंसान को आज़ाद करने का, कि इंसान समाज के नवनिर्माण के लिए कोशिशें करता रहे बल्कि कोशिशें ना करे सिर्फ, और उसके लिए जो भी करना चाहिए वो सब कुछ करे। जब आज़ादी का ये मकसद वाज़े है, समझा दिया गया सबको और बता दिया गया, इसीलिए हमारे लोगों ने उसके लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन जब आज़ादी को मोरल वैल्यूज़ के साथ ना जोड़ा जाए तो वो आज़ादी खुद उस इंसान के लिए और पूरे समाज के लिए नुकसानदेह भी साबित होती है और तबाही का दरवाज़ा खोल देती है। मोरल वैल्यूज़, नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार है। उसके बगैर हम इस बात को यकीनी नहीं बना सकते कि इंसान आज़ाद रहकर जो है समाज के नवनिर्माण के लिए या समाज की भलाई के लिए कोई काम करेगा। दूसरी बात, ये जो हमने मुहिम को तय किया है, जो हमने कैंपेन का थीम तय किया है, इमोरालिटी इस समाज में बढ़ती चली जा रही है, जिसका एक लाइव एग्जांपल अभी आपने देखा है कोलकाता का केस, जो रेप केस है उसकी ब्रीफिंग इंशाल्लाह आगे होगी, कि उसके वो इमोरालिटी की जीती जागती एक तस्वीर है जो हम सबके सामने आई। जब आज़ादी को मोरल वैल्यूज़ के साथ नहीं जोड़ा जाता, अखलाकी अकदार के साथ नहीं जोड़ा जाता, नैतिकता के साथ नहीं जोड़ा जाता, तो इस तरह की दरिंदगी रोज़ाना सामने आती है। समाज में हमारे अखबारात इन तरह की दरिंदगियों से भरे पड़े हैं। तो जहाँ नैतिकता को अगर स्वतंत्रता से निकाल दिया जाता है, तो एक तरफ तो औरत पर जो जुल्म है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। भले हम अपने डेवलपमेंट, अपने तरक्की की कितनी बातें करें, बल्कि दिन ब दिन उसके ऊपर जो अत्याचार है, उसके ऊपर जो जुल्म है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और साथ ही साथ एक बात जो हमें समझनी है वो ये कि अगर स्वतंत्रता से मोरल वैल्यूज़ को निकाल दिया जाएगा, उसको बाउंड नहीं किया जाएगा, उसके साथ उसको लिमिट नहीं लगाई जाएगी, तो पूरा सिर्फ औरत पर जुल्म बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा हमारा समाज, हर शख्स ये चाहेगा कि वो दूसरों के ऊपर अपना अपने आप को मुसल्लत कर लें और अपने आप को जो है बड़ा बनाए, और उसके बेशुमार इतने सारे नुकसान आते हैं जो हम सब अभी देख रहे हैं। मोरल वैल्यूज इंसान की आज़ादी का ज़ामिन है, उसके बगैर इंसान कामयाब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी आज़ादी के साथ मोरल वैल्यूज़ को ना जोड़े। यही मकसद है हमें इस, और ये बात आप सबको मालूम है कि ये मुहिम किसी 8 दिन या 15 दिन की नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर हम उसकी 1 महीने की मुहिम भी कर रहे हैं तब भी वो हमें, हमारे लिए तो वो एक इब्तिदा है, एक शुरुआत है इस चीज़ की कि हम लोगों को मोरालिटी की तरफ लेकर आए। तो ये 1 महीने की मुहिम है, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें, जिसमें एक एक्टिविटी जिसमें हम सब आज बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसके साथ साथ हम डोर टू डोर मुलाकातें, कॉर्नर मीटिंग्स, स्कूल लेक्चर्स, इंटरफेथ डायलॉग्स और फाइनल डिस्कशंस, और एक बड़ा हमारा कंक्लूडिंग प्रोग्राम जो 28 सितंबर को इंशाल्लाह होने वाला है। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोगों के बीच ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, पूरे गुजरात में 10 लाख लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि मोरालिटी को फ्रीडम से जोड़ना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि अगर उसके बगैर ये समाज अपनी आज़ादी को इसी तरह से इस्तेमाल करता रहा तो जो नुकसान होगा उसका भरपाना हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगा। और बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हम तमाम लोगों तक, पूरे गुजरात में हमारा टारगेट जो है 10 लाख लोगों तक पहुंचने का है, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से, और इस तरह की दूसरी और एक्टिविटीज़ के ज़रिए से। ख़ास तौर से हमारा इसमें जो एक टारगेट ऑडियंस है वो है हमारे यूथ, हमारे नौजवान, हमारे नौजवानों को हम इस चीज़ से आगाह करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं कि आप जिस आज़ादी की बात कर रहे हो, आप इस आज़ादी की बात कर रहे हो जो तमाम उसूलों से आज़ाद हो, जो तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद हो, तो ऐसी आज़ादी इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। और इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निकाल कर अगर उसके नफ्स की ग़ुलामी में, उसके ख्वाहिशात की ग़ुलामी में मुब्तला कर दिया जाए, उसी में ढकेल दिया जाए, तो फिर असल आज़ादी का जो मकसद है वो पूरा नहीं होता है। यही हमारा मैसेज है, यही हमारा पैगाम है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसके बाद इस समाज में, जैसा कि मैंने उसका तस्करा किया अभी,
कि मोरालिटी को जो फ्रीडम से नहीं जोड़ा जा रहा है तो उसके क्या और क्या नुकसान हमारे सामने आए हैं, तो उसकी ब्रीफिंग इंशाल्लाह हमारी नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहतरमा आरिफा परवीन आपके सामने रखेंगे। रिस्पेक्टेड मीडिया से जुड़े हुए भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने सुना कि जमात इस्लामी हिंद वीमेंस विंग एक महीने की एक मुहिम मनाने जा रही है जिसका टॉपिक है मॉरलिटी इज फ्रीडम। अब ये मॉरलिटी इज फ्रीडम जो है नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार है। इस विषय पर हमारी जो विमेंस विंग की बहने हैं उन्होंने ये तय किया कि हम एक महीने की एक मुहिम मनाएंगे कि आज़ादी, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने आया कि सच्ची आज़ादी हर शहरी के लिए ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी नैतिकता के साथ हो, मॉरल वैल्यूज़ के साथ हो। हम एक सांस्कृतिक देश में रहते हैं, हमारा देश एक धार्मिक देश कहलाता है, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और बसते हैं, तो हम जानते हैं कि हर मजहब और हर धर्म ने इंसान को आज़ादी के साथ साथ कुछ पाबंदियाँ और लिमिटेशंस भी दी हैं। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो फिर समाज में बहुत बुरे असरात हमको देखने के लिए मिलते हैं। जब इंसान इन पाबंदियों से आज़ादी हासिल करने की कोशिश करता है तो हम देख रहे हैं कि वो इंसानों की सतह से गिरकर वो जानवरों की हद तक पहुंच जाता है, बल्कि जानवरों से भी बदतर हो जाता है। हर धर्म ने नैतिकता की शिक्षा दी है, इसके बगैर मॉरल वैल्यूज का तस्वीर ही नहीं किया जा सकता, और हर धर्म के मानने वालों पर इसका असर हमेशा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि बगैर शादी के एक साथ रहने को हर धर्म ने मना किया है और हर धर्म ने नापसंद किया गया है उसको। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मजहब के यहाँ ये मना किया गया है, बल्कि हर मजहब ने इसको मना किया है। लेकिन अब आप देखिए कि जो वेस्टर्न कल्चर में है, इस वेस्टर्न कल्चर ने लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि तुम्हारी जो जिंसी लज्जतें हैं, तुम्हारी जो सेक्सुअल लाइफ है, इसको हासिल करने में जो चीज भी तुमको रुकावट बन रही है उससे आजादी हासिल कर लो, जो चीज भी तुम्हारे आड़े आ रही है उसको खत्म कर दो। नतीजे में आप देखते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसा बेहुदा नारा समाज में परवान चढ़ाया जाता है और उसके जरिए से लिव एंड रिलेशनशिप जैसा एक घिनौना कृत्य जो है हमारे समाज में बढ़ रहा है। आज सोशल मीडिया, टेलीविजन और मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने इसको फैलाने में और बड़ा रोल अदा किया है, और हम देख रहे हैं कि ये खराबी सिर्फ शहर में नहीं बल्कि हमारे देहातों में, ग्रामीण इलाकों में, सिर्फ अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग स्लम्स एरियाज में नहीं बल्कि पढ़े लिखे और आला अहदेदारान के अंदर भी ये खराबियां हमको देखने के लिए मिल रही हैं। फहश और बेहयाई आम हो रही है, नग्नता और अश्लीलता को फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, फहश मवाद फैलाया जा रहा है, पोर्नोग्राफी आम हो रही है। उसके चलते रिसर्च ये बता रहा है कि 10 साल से 65 साल तक का बूढ़ा हमारे समाज का 73% इंसानी तबका, जिनमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है, वो इस वेबसाइट का विजिट कर रहे हैं और इस फहश मवाद को देख रहे हैं, और इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है तो हमारी फैमिलीज को हो रहा है, हमारे खानदान भी कर रहे हैं, हमारे खानदान टूट रहे हैं, और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारी इकाई, हमारे मुल्क की इकाई, हमारी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी की इकाई हमारा खानदान, हमारी फैमिली है। जब हमारी फैमिली टूटेगी तो समाज बिखर जाएगा, और जब समाज बिखरेगा तो उस देश का क्या हाल होगा उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। साथ ही ज़हनी गुलामी, बेलगाम आजादी और मॉरल वैल्यूज से बगावत के रवैये ने आधुनिक समाज की जो तस्वीर खींची है वो बड़ी खतरनाक और चौंकाने वाली है। प्योर रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 69% अमरीकी शादी के बजाय लिव एंड रिलेशनशिप में जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं, बल्कि गुजारते हैं, और
हमारे लिए तकलीफ की बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कह रही है कि हिंदुस्तान में, हमारे सांस्कृतिक देश में, हमारे धार्मिक देश में, सभ्य समाज के अंदर, हमारे यहाँ भी 50% लोग, 50% नौजवान शादी के बगैर एक साथ रहने को तरजीह दे रहे हैं। आज ये रुझान बनाने की कोशिश की जा रही है कि शादी के बगैर भी सेक्सुअल लाइफ गुजारी जा सकती है, ये इंसानी समाज का एक बहुत बड़ा अलमिया और तकलीफ दह सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि ये नग्नता और अश्लीलता वाले मवाद जो फैलाए जा रहे हैं और उरियानियत के और फहाशी के मनाजिर जो फैलाए जा रहे हैं, ये इंसान की तस्कीन का जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए से। और ये बिजनेस, इस बिजनेस के बारे में ये हकीकी रिपोर्ट सामने आई है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया ये पोर्नोग्राफी का बिजनेस बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी हालिया रिपोर्ट में बताता है, कवर स्टोरी करता है कि आईफोन, आईपैड और आईपैड और आईफोन बेचने वाली कंपनी एप्पल और कारें बेचने वाली कंपनी जीएम और दुनिया भर में स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्कद करने वाली कंपनी जो कमाई कर रही है, उसकी इन तमाम कमाइयों को मिलाकर इससे भी ज्यादा कमाई पोर्नोग्राफी के बिजनेस में लोगों को हासिल हो रही है। इस तरह ये खराबी हमारे देश को भी तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर रही है। आज पोर्नोग्राफी और फैश मटेरियल के चलते जो माहौल हमारा बन रहा है और जो खराबी फैलाई जा रही है, इसके कारण आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ना 9 महीने की बच्ची सेफ है, ना 70 साल की बूढ़ी औरत सेफ है, ना वो घर में सेफ है, ना वो विद्या मंदिर में सेफ है, ना वो बाजार में सेफ है, ना वो ऑफिस में सेफ है। इन चीजों के चलते, इस पोर्नोग्राफी और जिंसी बेरारवी और नग्नता और अश्लीलता के चलते आज हमारा समाज इस दहाने पर खड़ा हो गया है कि हमारी एक लड़की जो एक बड़ा ख्वाब देख रही है कि मैं मेडिकल में जाऊंगी और लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम करूंगी, उसके साथ कितना जघन्य अपराध हो रहा है कि वो जूनियर डॉक्टर को जो है जिस तरह उसका जो गैंगरेप किया गया और जिस तरह उसकी बॉडी मिली, कितनी तकलीफ दह हकीकत है ये हमारे लिए। एक हमारी बेटी के साथ ही हो रहा है, इतना ही नहीं, एक मुस्लिम नर्स उसको भी इसी तरह जो है रेप करके उसके बाद उसके जिस्मों को के हिस्सों को तोड़कर उसको जो है उसकी हत्या कर दी जा रही है। 9 महीने के बच्चे के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। बॉम्बे जैसी सिटी में 2 बच्चियों के साथ जो यौन उत्पीड़न का मामला और जिनसी बेरावरवी वाला मामला सामने आया, वो तमाम चीजें, हमारी आदिवासी बहन सेफ नहीं, हमारी दलित बहन सेफ नहीं, हमारी हमारे समाज की खवातीन सेफ नहीं। तो यहां पर ये बात समझ में आती है कि ये जो सूरत हाल है ये इस माइंडसेट का नतीजा है जो एक औद्योगिक समाज, कैपिटलिज्म, जो जो अपने अपना पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, उद्योगपति बड़े बड़े और जो बिल्कुल माल ही को अपना सब कुछ समझते हैं, वो लोग अपना कारोबार चमकाकर हमारे देश के माहौल को, दुनिया भर के माहौल को तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी नकाली करते करते एक बात ये भी कहती चलूं कि वेस्टर्न कल्चर हमारे लिए बहुत नुकसान की चीज है और वहां उसके कड़वे कसीले फल उनके दानिश पर भुगत रहे हैं और सर जोड़ कर बैठे हैं कि कब हम इस सिचुएशन से बाहर आए। लेकिन अब वहां तो समझ में आ गया, लेकिन ये हमारा जो मशरकी समाज है ना, वो अभी समझ नहीं पा रहा है, उसकी नकाली करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और नतीजे में ये सारे हालात हमारे यहाँ पेश आ रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इनके चलते मेंटल हेल्थ भी बुरी तरह जो है उसका शिकार हो रही है, डिप्रेशन का शिकार आज हमारा नौजवान हो रहा है। ये सारी पोर्नोग्राफी की सूरतें और शक्लें और तस्वीरें देखकर उसका दिमाग खराब होता है, फिर वो चीजें हासिल करने की कोशिश करता है, फिर वो नहीं मिलती है तो अपनी तस्कीन के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, मनुष्यात की तरफ जाता है, फिर एक ड्रग की पुड़िया मिली और आए दिन उसकी उसकी भूख और उसकी प्यास में बढ़ोतरी होती चली जाती है और एक वक्त तो आता है कि वो नौजवान अपनी दुनिया को ही खैराबाद कह के सुसाइड कर लेता है और इस दुनिया से चला जाता है।
ये है वो तस्वीर जो आज दुनिया की भी है और अफसोस सद अफसोस कि हमारे इस जो है सभ्य समाज की और सांस्कृतिक देश जो हमारा कहलाया जाता था अभी तक, और हम चाहेंगे कि आगे भी हमारा देश सांस्कृतिक ही रहे, इसलिए हम ये मुहिम लेकर खड़े हुए हैं। और बहुत सारे डेटाज हैं कि 2022 के मुताबिक दुनिया भर में 15 से लेकर 64 साल की उम्र के 296 मिलियन अफराद ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे देश में 16 करोड़ लोग ड्रग्स के शिकार हैं। नशे की लत, पोर्नोग्राफी, फहश मवाद, ये सारी चीजें हमारे देश को बर्बादी की तरफ लेकर चले जा रहे हैं। दुनिया में हर साल 8 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं और ये ग्राफ हमारे मुल्क में भी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसे हालात में सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन खराबियों को चुन चुन कर खत्म करने की कोशिश करें, उनके खिलाफ कानून बनाए और गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दे और जो विक्टिम है, जो मजलूम है, उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ भी हमारी परेशानी ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत इन मामलों में जितनी सीरियस होनी चाहिए उतनी सीरियस नहीं है। अननेचुरल और नाजायज तालुकात और बदआमालियों के हक में कहीं कानून बनाकर और कहीं दूसरी तरह से सपोर्ट करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और ऐसा माहौल को बढ़ावा देने में हमको काम करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये बीमारी और ये वबा हमारे समाज में तेजी के साथ फैल रही है। आपने और हमने हमारे ही स्टेट में एक मिसाल, एक एग्जाम्पल जो सेट हुआ है उसको देखा है। हमारे स्टेट की, हमारे राज्य की एक बहन बिल्कुल बानो सामूहिक हत्या और उसकी सामूहिक गैंगरेप और उसके बाद उसकी बच्ची की हत्या के बाद कितना लंबा टाइम उसे जो है लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर उसे इंसाफ मिला। इंसाफ मिला भी तो जो गुनहगार थे कुछ दिनों बाद जमानत मिली और जमानत मिलने पर जो अपराधी बाहर आए तो उनके साथ क्या किया गया वो आप तमाम जानते हैं। उनका स्वागत किया गया, फूलों की मालाएं पहनाई गई और मिठाई से उनका मुंह मीठा किया गया और उनको उनको कहा गया कि ये संस्कारी लोग हैं। बताइए अगर ये संस्कारी हैं तो हमारा नौजवान क्या मैसेज लेगा कि कल तक जो नौजवान अगर डर भी रहा होगा तो उसके दिल में से ये डर खत्म होगा या फिर उसके अजायम और बुलंद होंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इन मामलों को सीरियस ले, कड़क से कड़क सजाएं तय की जाए और कानून बनाए जाए और वो इंसाफ मिलने में देरी ना हो। हमारे यहाँ कानून तो बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो मामला रहता है बहुत लंबा चलता है, तो उस पर भी हम बात करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही साथ हम समाज को भी अवेयर करना चाहते हैं कि समाज भी इस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए इस बात को समझे कि उसका भी कुछ कर्तव्य है। अब आप देखिए कि पार्लियामेंट में 151 सांसद हमारे जो भेजे गए हैं आवाम की तरफ से, वो ऐसे सांसद हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति उनके क्राइम दर्ज हैं, केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। अब बताइए कानून बनाने वाले ही हमने ऐसे पहुंचाए हैं, कानून कैसे बनेंगे और उन कानून को किस तरीके से फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि आवाम भी जागरूक हो, बेदार हो और वो समझे कि समाज को बनाने वाले कौन लोग हैं और बिगाड़ने वाले कौन लोग हैं और किन को ऊपर भेजना चाहिए और किन को नहीं भेजना चाहिए। साथ ही साथ हम अपने कैडर, मीडिया पर्सन्स और जितने भी लोग हमारे करीब आना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ये अभियान कोई छोटा अभियान नहीं है। ये जो बुराइयां हैं छोटी मोटी बुराइयां नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत अंदर तक दर आई है, तो इनको इन बुराइयों को दूर करने के लिए खास कर हम आपसे अपील करेंगे कि मीडिया का रोल भी इसके अंदर बड़ा अहम होगा। आप जहां तक हो सके हमारे इस अभियान को अपना अभियान बनाइए, हमारा सपोर्ट कीजिए और इस पैगाम को, इस संदेश को, जैसा कि हम गुजरात भर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इसको ले जाना चाहते हैं और ये लॉन्ग टर्म हमारा काम है,
ये एक महीने में हम कोई बड़ी तब्दीली और बड़ा इनकलाब नहीं ले आएंगे, हमको इस काम को मुसलसल करना है, तो हम मुसलसल आपका भी सपोर्ट चाहते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। मैडम, जिस तरीके से आपने जो आज टॉपिक पर बात की है, इन मामला को रोकने के लिए अक्सर वालिदैन को क्या करना चाहिए? वालिदैन की इस सिलसिले में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वालिदैन बचपन ही से अपने बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाएं और उन्हें ये बताएं कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, और अगर वो उन लिमिटेशंस का पालन नहीं करेंगे तो किस तरीके से उनको नुकसान हो सकता है, उन सारी चीज़ों से पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को बचपन ही से बताएं, और इसमें लड़का और लड़की का कोई भेद नहीं है कि हम लड़कियों को तो कहें कि तुम्हें इस तरीके से रहना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से रहना चाहिए, और लड़कों को कहें कि वो जिस तरीके से भी बाहर निकलना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो करते रहें, ऐसा नहीं। बल्कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स की पूरी जिंदगी निगाह रहे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और कैसे काम कर रहा है, इसकी सोच कैसी बन रही है। तो पेरेंट्स को घर में अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये टीवी और जो है सोशल मीडिया के जरिए से जो बुराई है वो सैलाब की तरह आ रही है। तो इस सैलाब से बंद बांधने के लिए पेरेंट्स जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े वक्त तक बच्चे घर में रहते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें, वो क्या देख रहे हैं, और फिर उसके नुकसान से भी उनको आगाह करें। मैडम, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका क्या मकसद है, किस तरह का आप लोगों ने शुरू किया है ये कैंपेनिंग, और खासतौर से क्या जरूरत थी फ्रीडम और मोरलिटी की, तो थोड़ा तफसील से थोड़ा शॉर्ट बताएं। देखिए, हमारा जो मकसद है इस मुहिम का वो यही है कि जैसा कि टॉपिक से ही जाहिर है कि मोरलिटी इज फ्रीडम, आज इंसान हर चीज से आज़ादी चाह रहा है, लेकिन अकेले आज़ादी से अगर वो आज़ाद रहना चाहेगा तो उसको सच्ची आज़ादी नहीं मिल पाएगी, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ जोड़ना पड़ेगा। मॉरल वैल्यूज़ के बग़ैर इंसान को हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि सैलाब है, उसके अंदर पानी जो मौजें मारता वो हमको नज़र आता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन वही पानी जब उसके अंदर जोश आने लगता है और वो अपने तट को फलांग कर, अपने लिमिटेशंस को तोड़ कर जब बाहर आता है पूरे जोश के साथ, तो बाढ़ आ जाती है और हम देखते हैं कि फिर क्या कुछ होता है। तो इसी मकसद के तहत कि हम अखलाक को, मॉरल वैल्यूज़ को, नैतिकता को आज़ादी से जोड़ना चाहते हैं कि इंसान के अंदर जब नैतिकता होगी, मॉरल वैल्यूज़ होंगे, तो अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करेगा। वो अपनी आज़ादी का ऐसा इस्तेमाल नहीं करेगा कि मैं आज़ाद हूँ, मेरा मफाद, मेरा फ़ायदा जिस चीज़ में है मैं सिर्फ वही देखूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं आता कि मेरी आज़ादी से दूसरों को तकलीफ हो रही है या फ़ायदा, मुझे तो ये देखना है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो ये आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है, उसकी आज़ादी से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। कौन सा प्रोग्राम रखने वाले हैं इसके लिए? इस सिलसिले में एक प्रोग्राम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके अलावा पूरे गुजरात में अलग अलग जगहों पर मोहल्ला मीटिंग्स हैं, स्कूल लेक्चर्स हैं, खास तौर से कॉलेजेस और कैंपसेस में जाकर नौजवानों को मुखातब करना हमारा मकसद है। उसके अलावा पैनल डिस्कशंस और इंटरफेट डायलॉग्स, तमाम जितने भी मजाहिब के लोग इस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, इस गुजरात में पाए जाते हैं, हम उन तमाम मजाहिब के लोगों के साथ मिलकर डायलॉग करना चाहते हैं कि नैतिकता हर मजहब को, हर मजहब में प्रमोट की गई है, और उसको आज़ादी के साथ जोड़ना हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एक अहम बड़ा प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं 28 सितंबर को टैगोर हॉल में, क्या है उस प्रोग्राम में, क्या वो हमारा कंक्लूडिंग प्रोग्राम होगा इस मुहिम का, इस कैंपेन का, और जिसके ज़रिए हम यही मैसेज लोगों में आम करना चाहते हैं कि मोरालिटी के साथ ही फ्रीडम असल फ्रीडम है। फ्रीडम की बात की जाए, मोरालिटी की बात की जाए, तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जमाने है जहाँ पे मतलब कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब की बात की जाती है, तो आपका जो कंसेप्ट है किस तरह का रहेगा? देखिए, जहाँ तक हिजाब का मामला है, तो हम जिस देश में रहते हैं वो हमारा जमहूरी मुल्क है। अब इस मुल्क में जहाँ पर कम कपड़ा पहनने की आज़ादी है, वहाँ पर हम अपने आप को अगर कवर करते हैं तो उसकी भी आज़ादी हमको मिलनी चाहिए। और ये बात वाज़े है कि अगर यहाँ पर आप अगर इस्लाम की बात करें, तो इस्लाम तो साफ ही कहता है कि आप अपने आप को कवर करके चलेंगी, तो ये इतने भी जितने भी सारे मसाइल जिनका यहाँ पर अभी तस्करा किया गया है, इनसे आप बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ
जो है हमारा इस दूसरे तरीके से हम इसको बात करें तो आप देख लीजिए कि हिजाब का मामला हो या कपड़ों का मामला हो तो उसमें लड़कियां और बहनें और ख्वातीन खुद अपनी मर्यादाओं मर्यादाओं का ख्याल रखेंगी कि वो कौन से लिमिटेशंस हैं जिनका ख्याल रखेंगे तो हम नुकसान में नहीं जाएंगे, हमको तकलीफ नहीं होगी, हमें परेशानी नहीं होगी, हम महफूज रहेंगे, और वो कौन सी मर्यादा है जिनको अगर तोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद वो थोड़ा नुकसान में आ सकती है। एक महीने में आप कितने लोगों को जोड़ना चाहेंगे? वैसे तो हमारा टारगेट 10 लाख लोगों तक है। तो इसमें 10 लाख लोगों को पहुंचने के लिए कितने लोग आपके साथ काम में आएंगे? हमारा पूरा कैडर है, साथ ही साथ हम हमारी मुस्लिम समाज को भी जोड़ना चाहेंगे। उसके साथ साथ हम हमारे हिंदुस्तानी समाज के भाइयों बहनों से अपील कर रहे हैं कि वो भी हमारे इस अभियान को अपना अभियान समझे, क्योंकि ये मसला कोई किसी एक घराने का नहीं है, ये पूरे हमारे समाज का मसला है। तो हम समाज के दीगर कम्युनिटी के लोगों के पास भी जाएंगे और उनको भी अपील करेंगे। हम स्कूलों में जा रहे हैं, हम कॉलेजेस में जाएंगे, हम यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे, हम जो है मदरसों में जाएंगे, और हम जो है पैनल डिस्कशन कर रहे हैं एडवोकेट्स के साथ, एकेडमिशियंस के साथ, हम पैनल डिस्कशन कर रहे हैं लॉयर्स के साथ कि वो लोग इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाने की बढ़ाने वाले बने। हम जो इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं, हम धर्म गुरुओं को भी इससे जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं के साथ साथ बहुत सारी आवाम होती है, तो हर मजहब के धर्म गुरु होते हैं, तो तमाम मजाहिब के धर्म गुरुओं से हम मिल रहे हैं और उनके पास जाकर अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक इंटरफेथ सेमिनार का भी आयोजन किया है। एक महीने के बाद ये मुहिम कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से रेप केस जो हो रहे हैं, उन्हें लेडीज के लिए सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है? सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, उन्हें सेल्फ अपने आप को डिफेंस करने के लिए उनके अंदर ताकत होनी चाहिए, उसके लिए इंतजाम होने चाहिए, उसके लिए हमारे समाज को भी इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हमारी बेटियां अपने आप को की हिफाजत करने वाली बने, इतनी सशक्त हों वो, तो बेटियों को सशक्त होने की बहुत जरूरत है। रेप केस और जुल्म सितम जो लड़कियों पे पड़ रहे हैं, उसके लिए कैसे आवाज उठाएंगे, इस मुहिम पे क्या बातें रखने वाले हैं आप लोग? रेप केसेस और महिलाओं पर जो अत्याचार है जो बढ़ता चला जा रहा है, उसके सिलसिले में हमने जो डेटाज अभी आपके सामने आए हैं, हमारे लोगों ने उन डेटाज को जमा किया है और ये डेटाज हम लोगों के सामने रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये तो वो केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं, और जो दर्ज नहीं हुए हैं ऐसे तो बेशुमार केसेस होंगे जो हमारे सामने नहीं आए। तो रेप केस में जो रूट कॉज है, अगर हम उसके रूट कॉज में जाते हैं तो वो है फोनोग्राफी। अगर फोनोग्राफी पर ही पाबंदी लगा दी जाए, उसी को रोक दिया जाए, तो बहुत हद तक इन रेप केसेस को हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। गवर्नमेंट में आपको ये जानकारी दिया है और ये गवर्नमेंट में क्या आपको सपोर्ट है गवर्नमेंट का, यहाँ का जो गुजरात गवर्नमेंट को आपने क्या कुछ सपोर्ट किया है? इस सिलसिले में हमारा जो टारगेट है, हम गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जो पोस्ट पर होते हैं, सरकारी पोस्ट पर, उनसे मुलाकातें करेंगे। इसमें इंडिविजुअल मुलाकातें हमें उनसे करनी है और उनके सामने जो मैसेज अभी आपके सामने आया कि हम कानून बनाने वालों में ऐसे लोगों का लेके आए हैं जो खुद नैतिकता को प्रमोट करने वाले हैं, तो इस सिलसिले में हम इंडिविजुअली सबसे मुलाकातें करने वाले हैं। खासकर लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? लड़कियों के मामले में हम जो उनको मैसेज देना चाहेंगे, एक तो यही कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी अपने आप को तैयार करें, दूसरा ये कि हर मजहब हर संस्कृति जो उनको लिमिटेशंस बताती हैं, उस लिमिटेशंस को अगर वो उंगालेंगी, अगर उसकी पाबंदी नहीं करेंगी तो नुकसान देखने को मिलेगा और ये चीज़ें सामने आएंगी। और आज़ादी को ख़ास तौर से, सिर्फ लड़कियों का मामला नहीं है यहाँ पर, लड़कों का भी, यूथ जनरेशन का सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि वो हर उसूल से आज़ाद होना चाहते हैं, वो हर जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहते हैं, वो किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहते हैं, इस तरह की आज़ादी चाहते हैं कि जो उनका दिल चाहे वो करते रहें। तो हम पूरे यूथ को, तमाम नौजवान लोगों को, लड़का और लड़की सबको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज़ादी को मोरल वैल्यूज़ के साथ जोड़े रखने में ही असल कामयाबी है, खुद उनकी भी और पूरे समाज की भी। और जी, एक धारा थी IPC 497 जो अवैध संबंधों के रिलेटेड में थी कि गुनाह माना जाता था पहले, मगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ साल पहले उसको रद्द किया गया, उसके बारे में आज क्या कहेंगे? अब अवैध की शैली में नहीं लिया जा रहा जी, 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 लीगली
लीगल कर दिया गया। तो उसके रिलेटेड आप क्या कहोगे, जब सुप्रीम कोर्ट पे ऐसे चुकाते आते हैं तो ये माहौल को लेके जो आप जो मुहिम चला रहे हो तो उसमें आपको किस तरीके से, इसीलिए तो हमको खड़ा हमको फाइट करनी पड़ रही है, इसीलिए तो हम खड़े हुए हैं और इसीलिए तो हम ये मांग कर रहे हैं और इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, उनको इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो फिर अभी अब देख रहे हैं ना कि किस तरीके का माहौल हमारा बन रहा है। हमारी लड़की घर से बाहर निकलने के लिए अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही है, हमारी माँ अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने के लिए मुतमईन नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को अगर घर के बाहर भेज रही हूँ तो उसको इत्मीनान नहीं है। तो ये माहौल हमने क्रिएट किया है, तो इन्हीं चीज़ों से तो ये प्रमोशन उनको मिल रहा है, प्रमोट और किया जा रहा है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के मार्फत ये जो अवैध एक तरह का यानी पीसा जा रहा है जो सामग्री जिससे ये सारी बातें होती है, तो उसके खिलाफ आप लोग की टीम क्या कदम उठाएगी आगे? हम मांग ही कर सकते हैं, हम ये मांग करेंगे कि ये सारी चीजें खत्म हो, नशावर चीजें खत्म हो और उसके अलावा जितनी भी सामग्री पेश की जा रही है ना, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं और ये नजरियाती तहरीक है, ये कहीं की कोई और नजरिया है जिसको चला रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सामग्रियां जो फैलाई जा रही हैं, हमारी मांग यही रहेगी कि इन पर जो है पाबंदी लगाई जाए, इनको इनको अवैध करार दिया जाए, इनको खत्म किया जाए और तभी जाकर हम इन चीजों पर जो है रोक लगाने में कामयाब हो सकेंगे। अभी आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ ब्रांचेस है या कोई संगठन कहाँ तक पहुंचा हुआ है या अभी शुरुआत है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हमारा जो ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे इंडिया लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है और नेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छी तरह से पूरी प्लानिंग और पूरे पूरे उसूल के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ हमारे हर जोन में काम हो रहा है, हर स्टेट में काम हो रहा है। हमारा एक सेंटर है जो दिल्ली में है, उसके बाद हमारे हर स्टेट लेवल पर एक एक जोन है, फिर जोन के बाद हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम हो रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद मुकाम यानी यूनिट लेवल पर, लोकल लेवल पर काम हो रहा है और ये जितने भी सतह में हमने आपको बताई हैं, हर सतह पर हमारे मेंबरान और हमारे अरकान और हमारे कारकुनान मौजूद हैं, हमसे इत्तेफाक करने वाले लोग मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में इंडिया में हमारे पास हमारे मेंबर्स हैं, हमसे इत्तेफाक करने वाले लोग हैं और वो हमारे करीब आ रहे हैं और हम उनसे मदद ले रहे हैं और हमारा पैगाम आगे बढ़ रहा है। इसी मुहिम को लेकर अगर किसी को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो उसमें आपकी ये जो मुहिम चला रहे हैं उसमें से क्या हेल्प मिलेगी और कहां पर संपर्क करना रहेगा? जी, इस मुहिम के लिए हमारे पास काउंसलिंग सेंटर हमेशा से है। देखिए, एक बात बताती चलूं कि जमात इस्लामी वो तंजीम है, वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जब बीमारी आ जाए उसके बाद इलाज नहीं करती है। जमात इस्लामी का काम ये है कि बीमारी आए ही नहीं, वबा फैले ही नहीं, वो वबा पनपने ही ना पाए उससे पहले उसके रोकथाम की कोशिश करती है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जमात इस्लामी के ऑफिस पर आइए, हमारा पॉलिसी प्रोग्राम देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हमारी प्लानिंग देखिए, हम क्या क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान भर के अंदर। तो आपका जो सवाल है उसमें आपको जवाब उसमें मिल जाएगा कि हम लोग काउंसलिंग सेंटर भी चला रहे हैं, हम लोग मीडिया हेल्थ मेडिकल हेल्थ सेंटर भी चला रहे हैं, हम लोग हम वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते उनको स्कॉलरशिप देने का भी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे जनसेवा के काम है वो भी हम कर रहे हैं। मैडम, अदर कास्ट में जो बच्ची आ जाती है उनके लिए किस तरह से लड़ा जाएगा, आपकी कोई तैयारी ऐसी कि जो अदर कास्ट में बच्चियां चली जाती है तो और धर्म परिवर्तन होता है, ऐसी नफरत वाली राजनीति के बीच आजकल ये खूब चल रहा है। जी जी, उसका भी वही सॉल्यूशन है, बिल्कुल क्लियर कि बच्ची की अगर तालीम और तरबियत उसके पेरेंट्स इस अंदाज में करेंगे बचपन से, वो कहीं भी चली जाएगी डंके की चोट पर तो कोई उसे मुर्तद नहीं करवा पाएगा। तो सबसे पहला काम पेरेंट्स का है, लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान रखने जैसी है कि जो लोग इस तरीके के कृत्य में शामिल हैं कि वो जानबूझकर बच्चियों को किसी तरीके से बहला फुसला कर इस तरीके के कृत्य करवा रहे हैं, वो भी एक अच्छा काम नहीं है, उनको भी ये सारे काम नहीं करने चाहिए, बच्चियों को बरगलाना नहीं चाहिए और बच्चियों को भी अपनी मर्यादा, अपने ईमान और अपने अकीदे का ख्याल रखना चाहिए। आप ही बताइए क्या कहेंगे उनको, क्या हम भी उनकी आरती करें, किस चीज से करें? ये तो मतलब बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है जो हमारे राज्य में हुई है, दुनिया में बल्कि दुनिया भर में
इसके चर्चे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर एंड होती है।